आज बनने जा रहा है ऑनेस्ट किचन के अंदर कच्चे आम के साथ में बहुत ही हेल्दी रेसिपी। इसके अंदर ना चीनी का इस्तेमाल किया है और ना ही गुड़ का इस्तेमाल किया है, और साथ में हम बनाने जाएंगे आज एक शानदार पॉकेट पराठा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं शानदार सी रेसिपी जो कि टिफिन के लिए बहुत ही शानदार होती है। यहाँ पे लिए हमने 1 किलो कैरी, मतलब कि अमियां। कभी भी अमियां लेते हैं, कच्ची कैरी लेते हैं, हमेशा दबा के देखना होता है। अगर दब रही है मतलब पकी हुई है, ऐसी कैरी का इस्तेमाल नहीं करना है हमको। सबसे पहले इसका टॉप उड़ाते हैं यहाँ से और इसको पील कर लेते हैं। कच्चे आम का छिलका हमने यहाँ पे निकाल लिया है और अब बारी आती है इसको गुठली से अलग करने की। और ये देखिए कितना टाइट है, जितना टाइट होगा उतना कच्चा आम अच्छा होगा हमारा यहाँ पे, मतलब कि फ्रेश है ये फ्रेश की निशानी होती है। कैरी को गुठली से अलग कर दिया है, अब बारी आती है इसको काटने की। तो इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटेंगे, हल्का सा मोटा ही रखेंगे हम यहाँ पे। आप चाहें तो पतला भी रख सकते हैं, ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आज मोटा मोटा रख रहे हैं। इसके चंक्स दिखने चाहिए, इस तरह से सारी कैरी हम काट लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी मेहनत का काम हो चुका है, मतलब कि हमने कटिंग वटिंग सब कर ली है और अब बारी आती है इसका कसेलापन कम करने का। ये ऑप्शनल काम है लेकिन इसको करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। कई बार ऐसा होता है कैरी या कच्चे आम के अंदर एक बहुत तेज खट्टापन होता है, तो उस खट्टेपन को कम करने के लिए आप उबलता हुआ पानी इसके अंदर डाल दीजिए। कई कैरी ऐसी होती है जिसके अंदर खट्टापन इतना नहीं होता है, तो उसमें ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी कैरी बहुत ज़्यादा खट्टी है तो ये प्रोसेस करिए। उबलते हुए पानी में इसको रखे हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं। इसको पकाना हमारा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हॉट स्पा देना है, जिससे इसका बहुत ज़्यादा खट्टापन होता है वो निकल जाता है। 2 मिनट के बाद में इसको निकाल लीजिए। और ये जो पानी बचता है इसको फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी खट्टापन होता है। तो आप इसके अंदर थोड़ी सी जीरा नमक डाल के इसकी छाँच बना सकते हैं। और आज की रेसिपी का हीरो है ये, मतलब कि मिश्री, धागे वाली मिश्री। और आपको तो पता ही है कि इसके अंदर कितने गुण होते हैं। हमारी आयुर्वेद के अंदर कई दवाइयों के साथ में मिश्री का सेवन किया जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, गर्मियों के लिए तो रामबाण है। अगर आपको एनीमिया का प्रॉब्लम है, नक्सीर आती है, पेट में अपचन है, तो ये बहुत ही बेहतर चीज़ होती है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसको सबसे पहले तो तोड़ेंगे और इसका धागा हटाएंगे। ये अनरिफाइंड शुगर होती है, बहुत ही सेहतमंद चीज़ है। इसको हल्का सा तोड़ लेते हैं इस तरह से, और ये देख सकते हैं आप, ये है इसके अंदर धागा। इस धागे को निकालना होता है, इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। वैसे बिना धागे की भी मिलती है लेकिन ये वाली बेहतर होती है। इसी तरह से सारे धागे निकाल लेंगे और इसको थोड़ा टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मिश्री को हमने पीस दिया है। पूरी तरह से बारीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेल्ट भी होगी। मिश्री के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, ये चीनी से जस्ट डबल रेट में मिलती है। मतलब चीनी अगर आपको 40 रुपये किलो मिल रही है, ये लगभग 80 रुपये किलो मिलेगी, लेकिन चीनी से 10 गुना ज़्यादा ये बेहतर होती है अगर आप रिप्लेस करते हो शुगर के साथ में। यहाँ पे एक पैन लिया है मैंने, और पैन में डाल रहे हैं 1/2 कप पानी। पानी के अंदर डाल रहे हैं दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। इसका बहुत तेज़ फ्लेवर भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ भीनी भीनी सी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसकी। 4 से 5 हरी इलायची, कुछ दाने काली मिर्च के, 700 ग्राम मिश्री हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और धीरे धीरे करके इसको मेल्ट होने देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिश्री हल्की सी मेल्ट भी हो गई है। तो अब ऐड करेंगे हम यहाँ पे कैरी, 2-3 चुटकी नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालना, 2-3 चुटकी डालना है या 1/4 छोटा चम्मच। एक सुनहरा सा कलर लाने के लिए यहाँ पे 2-3 चुटकी हल्दी, हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, हल्दी ज़्यादा डाल देंगे तो कालापन भी आ जाएगा, इसलिए हल्दी का इस्तेमाल कम किया जाता है। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अब धीरे धीरे करके मिश्री के पानी के साथ में, मतलब कि चाशनी के साथ में, ये कैरी पकती रहेगी और जो कैरी है अपना पानी भी छोड़ेगी थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उबाल आ चुका है, और मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे करके इसको पकने दीजिए। ज़्यादा स्टर करने की ज़रूरत नहीं है। जब इसकी चाशनी एक तार की हो जाएगी तब बंद कर देंगे, तब तक हमारी कैरी भी पक जाएगी। और यहाँ पर हो चुके हैं लगभग 10 से 12 मिनट, और ये देख सकते हैं आप ट्रांसपेरेंट हो गई है, हर पार दिख रहा है, मतलब कि कैरी हमारी पक चुकी है और चाशनी भी एक तार की बन चुकी है। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, वैसे इतना चेक करने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। और जो बबल्स है ना, ये देखिए कितने बड़े बड़े बबल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को कर दीजिए बंद और इसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसका असली मज़ा आता है। जब तक हमारा कैरी का मुरब्बा ठंडा हो रहा है, तब तक हम पराठा बनाएंगे पॉकेट वाला। तो यहाँ पे आटा मैंने पहले से गूंदा हुआ है। ये कौन सा आटा है, ये पराठे वाला आटा है, बिल्कुल सॉफ्ट आटा है। ये देखिए जिस तरह से आप आटा गूंदते हैं सेम वैसे ही करना है। इसमें से एक पेड़ा तोड़ लेते हैं, थोड़ा सा सूखा आटा। अब इसको बेल लेते हैं, गोल नहीं बेलना है, इसको रेक्टेंगुलर बेलना है। अगर शेप इसकी थोड़ी सी बिगड़ भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक परांठा हमने बेल लिया है, बिल्कुल पतला कर दिया है, जितना पतला हो सके, बस टूटना नहीं चाहिए। किनारियों पे अच्छी तरह से बेलन चलना चाहिए, किनारियाँ मोटी होंगी तो कच्चापन रह जाता है। अब लगाएंगे हम इसमें थोड़ा सा घी, आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं या फिर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चारों तरफ से अच्छी तरह से लग जाना चाहिए, उसके बाद में सूखा आटा आपको डालना होगा यहाँ पर, एक बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए उसके लिए मैं यहाँ थोड़ा सा सौंफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो जीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, अजवाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब करेंगे इसको फोल्ड, पहला फोल्ड इधर की तरफ से एक साइड से हो गया, अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से फोल्ड कर देंगे, ये दूसरा साइड हो गया। अब हल्का सा घी वापस से लगाएंगे यहाँ पे, वापस से सूखा आटा। सूखा आटा क्यों डालते हैं? सूखा आटा डालने की वजह से ये एक दूसरे पर चिपकता नहीं। और अब ये फोल्ड उठा के यहाँ पर डाल दिया और इस फोल्ड को उठा के यहाँ रख दिया, तो बन गया ना स्क्वायर, इसको बुक फोल्डिंग बोलते हैं। अब हल्का सा सूखा आटा, जैसे नीचे चिपके नहीं, इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे और एकदम से नहीं बेलना है इसको, एक मिनट या दो मिनट का रेस्ट दीजिए जिससे घी सेट हो जाएगा, उसके बाद ही बेलेंगे। अब दो मिनट के रेस्ट के बाद में इसको बेल लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हाथों से इसको प्रेस कर लेंगे जिससे सेट हो जाए ये, उसके बाद में हल्के हल्के हाथों से इसको बेलना होगा। तो ये लीजिए परांठा हमारा बेल गया है यहाँ पे। अब तवा गर्म है, फटाफट से सेक लेते हैं इसको। तवा यहाँ पे मीडियम हॉट है और ये गया परांठा। जब भी परांठा डालें एक चीज़ मेक श्योर कर लें कि यहाँ पे कोई सूखा आटा ना हो, क्योंकि सूखा आटा होता है तो धीरे धीरे करके काला पड़ जाता है। परांठे में हल्का सा कलर आ जाए तो उसके तुरंत बाद ही इसको टर्न करना होगा, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना होता है। अब दोनों तरफ से बढ़िया से सेकेंगे इसको। परांठे को दो तरह से पसंद करते हैं, एक करते हैं करारा और एक करते हैं सॉफ्ट, आपको क्या पसंद है? अगर आपको करारा पसंद है तो धीमी धीमी आंच पे पकाते जाइए, करारा बन जाएगा। अगर आपको सॉफ्ट पसंद है तो गैस की आंच को तेज कर लीजिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा घी लगाते हैं, घी तेल आपकी मर्जी है, आपको क्या पसंद है, टर्न कर लेते हैं और थोड़ा सा घी यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे हम। बहुत जल्दी कलर आता है घी डालने के बाद में। किनारियों को अच्छी तरह से दबाइए, कई बार कच्चापन रह जाता है उस साइड से। और यहाँ पर तैयार हो गया हमारा बढ़िया सा करारा पराठा, इसको 1/2 कर लेंगे हम यहीं पे। ये लीजिए, ये हो गया हमारा पॉकेट पराठा रेडी। अब इसको सर्व करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कच्चे आम का जो मुरब्बा है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ एक बॉल के अंदर, काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। तो आम का ये बन गया शानदार वाला मुरब्बा। इसको चाहे तो आप आराम से एक साल तक प्रिजर्व रख सकते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है इसको। और मिश्री से बना है तो इसकी तासीर ठंडी है, तो गर्मियों के लिए काफ़ी बेहतरीन चीज़ है ये। बच्चों को दीजिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। टिफ़िन के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन आपके लिए आ चुका है। और ये देखिए आप, इसको अगर मैं तोड़ता हूँ तो हाथ से ये मैश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैश नहीं हो रहा है, यही खास बात है इसकी। मुँह में मैश हो जाएगा, मुँह में मेल्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेल्ट नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए आप, शानदार पॉकेट पराठे रेडी हो चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अंदर की जो लेयर है वो काफ़ी नरम है और बाहर से काफ़ी कड़क बने हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। तो यहाँ पे लिया मैंने ऑडी का यूनी रैप बैग, इसमें जाएंगे पराठे गरम गरम, खाना बिल्कुल फ्रेश रहता है इसके अंदर। और जो रोटियाँ पराठे गीले हो जाते हैं ना, इसमें नहीं होते हैं। ये हो गया पैक, ये गया टिफ़िन में। और बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए ढेर सारा ये कच्ची आम का लॉन्जी, या फिर आप इसको मुरब्बा भी कह सकते हैं।